नमस्कार दोस्तों जब नाम ही शो का संडे स्पेशल है तो कुछ स्पेशल मुद्दे पर बात होनी चाहिए मैं नहीं जानता कि दूसरे यूट्यूबर्स इस तरह की चीज़ें आपके सामने लाते हैं या नहीं लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं राजनीतिक जो चीज़ें हैं उनका एनालिसिस करने के साथ साथ जो राजनीतिक आंकड़ेबाजी है या जिसे कहते हैं कि सेफोलॉजिस्ट का जो काम है वो भी समय समय पर करता रहूं और मेरे चैनल को इस यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाने में इन आंकड़ों का जो ये आंकड़ेबाजी का खेल है उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है देखिए अगले साल जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर चर्चा हो रही है तेलंगाना की कर्नाटक की राजस्थान की मध्य प्रदेश की इन सब राज्यों की चर्चाएँ खूब हो रही हैं लेकिन एक चीज़ जो लोग बाग भूल जा रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के तीन स्टेट जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं और तीनों ही जगह जहां पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है क्योंकि तीनों ही जगह सरकारों में बीजेपी शामिल है गठबंधन में है या कहीं उसकी फुल फ्लेज सरकार है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार संडे स्पेशल में थोड़ा सा अलग हटते हुए आपसे बातचीत की जाए नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है और अगले साल होने वाले जो चुनाव हैं यहाँ पर उनके बारे में कैसे कैसे यहाँ का सिनेरियो टोटल रहने वाला है देखिए नॉर्थ ईस्ट में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट जो है वो बीजेपी के लिए है त्रिपुरा त्रिपुरा में आप सब लोग जानते ही होंगे कि बीजेपी ने अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 2018 में सरकार बनाई थी जब विप्लव कुमार देव सीएम बने थे हालांकि उन्हें भी हाई हाल ही में मई के महीने में हटाया गया है माणिक साह को वहाँ पर नया सीएम बनाया गया है लेकिन ये स्टेट बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है हम सारी चीज़ों को समझने के लिए पिछले चुनावों का सिनेरियो सामने रखेंगे और इसके साथ साथ जो वर्तमान में सिनेरियो वहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे आगे मेघालय और नागालैंड के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन शुरुआत करना चाहूँगा त्रिपुरा से देखिए त्रिपुरा का सिनेरियो दोस्तों कुछ इस तरह का है यहाँ पर साठ विधानसभा सीटें हैं त्रिपुरा में इकतीस सीटों की दरकार होती है यहाँ पर बहुमत हासिल करने के लिए और यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा जो सेंस है वो ये है कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट्स में पिछले साल हुए चुनाव में हाल ही में जो 2022 में और उससे पहले भी एक बार चुनाव हुआ असम में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाई और इस साल मणिपुर में लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाई बीजेपी का दावा है और उनका मानना है उनका थिंक टैंक इस तरह से सोच रहा है कि हम त्रिपुरा में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएंगे और पिछले इस बार के आंकड़े आपके सामने हैं आप देख सकते हैं कि विप्लव कुमार देर को सीएम बनाया गया था हालांकि ये चीज़ें अब अपडेट हो चुकी हैं 18 फरवरी 2018 को यहाँ पर सरकार बनी थी और यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर सामने आई थी वो इस तरीके से आई थी बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी जबकि यहाँ 60 में से 31 सीटों की दरकार है और बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जीतकर यहाँ पर आई थी और मानिक सरकार जो यहाँ पर सीएम थे कम्युनिस्टों के मेरे ख्याल में शायद तीन या चार बार से लगातार सीएम रह रहे थे उनकी सरकार को यहाँ से बीजेपी ने बाहर कर दिया था सिर्फ़ एक बार के प्रयास में ही 2016-17 में यहाँ पर चुनाव की तैयारियाँ बीजेपी ने शुरू की थी और 2018 में बीजेपी ने यहाँ सरकार बना ली थी 36 सीटें बीजेपी को मिली थी 34 सीटों का बढ़ोतरी हुई थी सीधी दो से 36 पर पहुंच गई थी अकेले अपने दम पर ही और यहां पर जो वामपंथी थे वो 32 सीटों का लॉस लेकर 50 से सीधे 16 पर आ गिरे थे और बाकी यहाँ पर आई जो एक दल है यहाँ पर आई को यहाँ पर जो है वो कहा जाता है स्वदेशी जन मोर्चा और त्रिपुरा इसका जो नाम है ये बीजेपी के साथ एनडीए में एलाइज हैं और इन्होंने आठ सीटें हासिल की थी यानी कि चौंतीस और आठ सीटें बयालीस सीटों की जबरदस्त सफलता यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की थी और आप देख सकते हैं कि इकतालीस पॉइंट पाँच प्रतिशत वोट बढ़े थे बीजेपी के जो पिछली बार से ज़्यादा बढ़े थे और पाँच पॉइंट पाँच एक प्रतिशत का वोट नीचे गिरा था यहाँ पर कम्युनिस्टों का और सात पॉइंट तीन आठ प्रतिशत मत बढ़ा था आईपीएफटी का तो यहाँ पर आप ये सिनेरियो देख सकते हैं इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बन के नज़र आया था और हर जगह भगवा लहरा गया था त्रिपुरा में और त्रिपुरा की पिछली बार की तारीखें भी आप देख सकते हैं कि कब यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ था अंतिम तारीख़ क्या थी मतदान किस दिन हुआ था काउंटिंग किस दिन हुई थी तीन मार्च को काउंटिंग हुई थी और यहाँ पर पाँच मार्च से पहले प्रक्रिया पूरी हो गई थी और यहाँ पर इस तरीके से ये जो सिनेरियो था ये बनकर पिछली बार नजर आया था साठ विधानसभा सीटों का इस तरीके से इसमें आप एग्जैक्टली सारी चीजें देख सकते हैं आप जरा देखते रहिए फिर मैं बताता हूँ इस बार क्या है देखिए त्रिपुरा में एक चीज है तिपरा मोठा तिपरा मोठा कहते हैं तिपरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस इसका ये शॉर्ट फॉर्म है और त्रिपुरा का जो शाही परिवार रहा है यहाँ पर उनके जो वंशज हैं यहाँ के प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव देववर्मन वो अपनी मजबूती का यहाँ पर एहसास करा रहे हैं और ये जो टिपरा एक संगठन है इसने त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव पिछले साल हुए थे जिन्हें इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जीता था और ये जो काउंसिल के चुनाव हुए थे इसमें त्रिपुरा का दो तिहाई हिस्सा कवर हो जाता है लगभग 12 लाख की आबादी इसमें आती है और इसमें नाइन्टी परसेंट आदिवासी इलाका है और बीस विधानसभा सीटें इस इलाके में आती हैं तो यह माना जा रहा है कि टिपरा जो है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगा और इसकी योजना यह है कि हम साठ में से पैंतालीस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपरा लैंड की मांग भी इस इसके द्वारा लगातार की जा रही है तो तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी वरीज यहाँ पर यही है कि अगर ये संगठन चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं और हो सकता है कि उसके वोटों में बंटवारा हो लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक और आदिवासियों की पार्टी है स्वदेशी जन मोर्चा ऑफ त्रिपुरा जिसको आईपीएफटी कहते हैं जिसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी आप सामने देख रहे होंगे गए इंडिजिनस पीपीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा इसकी बात कर रहा हूं मैं इसने यहाँ पर पिछली बार नौ सीटें लड़ी थी और आठ सीटें जीती थी तो आप समझ सकते हैं कि इसका आदिवासियों में अच्छा खासा प्रभाव है लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस आई का भी एक धड़ा अब तिपरा माठा की तरफ जाना चाहता है तो इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके जो एलाइज़ हैं उनमें कोई वीकनेस ना आ जाए दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ पर जबरदस्त कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस और लेफ्ट भी काम कर ही रहे हैं अपनी वापसी के लिए और मैं बताऊं कि अभी हाल ही में यहाँ पर एक उपचुनाव हुआ था अगरतला का त्रिपुरा में उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी के जो यहाँ से विधायक थे सुदीप रॉय बर्मन वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और फिर अगरतला का जो उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने कांग्रेस के बैनर पर जीत हासिल की थी और इस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर अपना एक वजूद बनाने में सफल रही थी आप देख रहे होंगे यहाँ कि 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन उसके खाते में ज़ीरो सीट आई थी लेकिन अब कांग्रेस ने यहाँ पर एक सीट अपनी बना ली है तृणमूल कांग्रेस यहाँ के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है तृणमूल कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हम अपना वजूद बनाए रखें और उन्हें ऐसा लगता है तृणमूल कांग्रेस को कि चूँकि वो यहाँ से लगता हुआ इलाका है पश्चिम बंगाल यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं बंगाली भाषा यहाँ इस्तेमाल की जाती है असम के बहुत से लोग रहते हैं तो इन्होंने सुष्मिता देव को यहाँ की प्रभारी बनाया हुआ है जो कांग्रेस की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हुआ करती थी उन्हें राज्यसभा का सांसद बनवाया तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी ने और उन्हें त्रिपुरा में लाया गया उन्हें सीएम फेस के रूप में यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है टीएमसी के द्वारा और आप देख रहे होंगे कि टीएमसी ने पिछली बार यहाँ चौबीस सीटों पर चुनाव लड़ा भी था हालांकि उनका खाता नहीं खोला था तो टीएमसी यहां पर लगातार कोशिश कर रही है कि अपने वजूद को बनाए रखा जाए और इसीलिए बीजेपी ने अभी से तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और जेपी नड्डा पिछले दिनों यहां पर आए थे तो जेपी नड्डा ने यह भी कहा था कि तृणमूल कांग्रेस का हम पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और हम उन्हें यहाँ पर सत्ता में कतई नहीं आने देंगे क्योंकि इससे पहले त्रिपुरा में अक्सर क्या होता था जब वामपंथियों की सरकार होती थी कि यहाँ पर बंद होते थे धरने प्रदर्शन रास्ता रोको राजनीतिक हिंसा इसका बहुत बोलबाला था और जब से यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है हमने उसको रोका है इन पर प्रतिबंध लगाया है बीजेपी के शासन में यहाँ सुशासन हुआ है इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आदिवासियों की लोग बात करते हैं तो देश में पहली आदिवासी और महिला जो है द्रौपदी मुर्मू हमने राष्ट्रपति बनाई है तो आदिवासियों के लिए तो बीजेपी सरकार हमेशा से सोचती रही है आदिवासियों के लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट की स्थापना मोदी सरकार ने की है इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का सिलसिला शुरू किया गया है तो बीजेपी को लग रहा है कि वे दे आर डूइंग एनफ वो यहाँ पर कामकाज के लिए अपना पर्याप्त कर रहे हैं जितना उनका प्रयास है वो उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे पिछली बार कम्युनिस्टों को यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 16 सीटें मिली थी लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिस्ट यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बहुत नीचे चले गए थे तो त्रिपुरा का सिनेरियो दोस्तों इस तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है अगला राज्य में जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा वो दोस्तों मेघालय है मेघालय का दृश्य आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ सत्ताईस फरवरी दो हज़ार को चुनाव हुआ था और मेघालय में जो मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस है उसकी सरकार है यानी कि जिस तरह से एन है उसी तरह से मेघालय में एक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया गया है और बीजेपी के समर्थन से यहाँ पर सरकार बन रही है लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर चर्चाएं कुछ और हैं यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी इससे अलग हो रही है यहाँ पर भी साठ सीटें हैं इकतीस सीटों की दरकार है और पिछली बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर कांग्रेस की जो मुकुल संगमा वाली सरकार थी यहाँ पर उसको पीछे हटाकर इन्होंने यूपीए की सरकार को पीछे हटाकर इन्होंने यहाँ पर सफलता हासिल की थी और उनतीस सीटों से ये सिमट कर आ गए थे 21 पर आठ सीटों का नुकसान कांग्रेस का हुआ था और यहाँ पर जो कॉनरेड संगमा हैं जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के समर्थन से जिनकी सरकार चल रही है उनकी अट्ठारह सीटें आई थी जिस अट्ठारह सीटें प्लस हुई थी उसकी टोटल बीस सीटें आई थी और बीजेपी के सहयोग की वजह से ही देखिए इन्होंने इक्कीस सीटें जीती थी कांग्रेस ने लेकिन बीस सीटें वाला कॉन्ड संगमा जो है एक गठबंधन बनाया गया था और कॉनरेड संगमा को समर्थन देकर बीजेपी ने अपनी यहाँ पर सरकार बनवाई थी और यहाँ का जो सिनेरियो है यहाँ की है आप देख सकते हैं चुनाव की पिछली बार क्या रही थी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वास्तविकता स्थिति इस समय सभी राजनीतिक दलों की क्या है अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कांग्रेस की यहाँ क्या स्थिति थी 59 सीटों पर लड़ी थी इक्ती इक्कीस सीटें जीती थी नेशनल पीपल्स पार्टी एन पी पी कॉनरेड संगमा वाली उसको बावन सीटों पर 20 में सफलता हासिल की थी और ये देख सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ने 47 पर चुनाव लड़ा था लेकिन केवल दो सीटें उन्हें मिली थी दरअसल मैं बताता हूँ कि मेघालय में इस हो क्या रहा है चर्चा ये है कि मेघालय में अपना समर्थन बीजेपी इस सरकार से वापस लेने की प्लान कर रही है और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ बीजेपी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं बर्नार्ड मार्क उन्हें अभी कुछ महीने पहले अरेस्ट किया गया था और उन पर यह आरोप लगा था कि वो वैश्यावृत्ति के धंधे से जुड़े हुए हैं और एक वैशाल्य चलाते हैं और तभी से बीजेपी के और इनके बीच में एक क्या कहना चाहिए कि तनाव की स्थिति क्रिएट हो गई है और हो सकता है कि ये अपने चुनाव से पहले ये समर्थन वापस भी ले लें बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मेघालय के प्रभारी हैं चुबा आओ, इन्होंने मार, ये आरोप लगाया था कि बर्नाड मारक को यहाँ पर फंसाया जा रहा है और उन्हें फ्रेम करने का प्रयास किया गया है इसके अलावा पार्टी के जो बड़े नेता हैं केंद्रीय बीएल संतोष अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ये सब लोग यहाँ लगातार मीटिंग ले रहे हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तविक में बर्नार्ड के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा था या उन्हें फ्रेम किया गया था या हकीकत कुछ और थी बीजेपी कहने के लिए तो ये कह रही है कि हम पिछली बार सैंतालीस सीट पर लड़े थे इस बार सारी सीटों पर लड़ेंगे लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने का जो उनका दावा है ये मुझे लगता नहीं है कि वो आसानी से इसको पार कर पाएंगे कांग्रेस ने पिछली बार इक्कीस सीटें जीती थी और एनपीपी ने 19 सीटें जीती थी एक सीट बाद में उपचुनाव में जीती थी विलियम नगर की एनपीपी ने और इस तरीके से एनपीपी जो यहाँ पर सीएम है कॉनरेड संगबा उनकी पार्टी के बीस यहाँ पर विधायक हैं इसके अलावा कांग्रेस में कुछ भयंकर बदलाव भी हुए थे आपको बता दूं कि जो मुकुल संगमा है वो पहले भी यहाँ सीएम रह चुके हैं कांग्रेस के उनमें वो सत्रह एम थे जो इनके बचे हुए उन सत्रह एम में से बारह एम को लेकर इन्होंने टी ज्वाइन कर ली थी अपनी अपने आप को मर्ज कर लिया था टी में और यहाँ पर टीएमसी में सब लोग चले गए थे इसके अलावा पांच एमएलए ऐसे थे जिनको एमडीए सरकार को समर्थन देने के लिए यानी कि जो यहाँ पर सत्तासीन सरकार है बीजेपी की और एनपीपी की उसको समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था तो इस तरीके से यहाँ कांग्रेस बहुत खराब स्थिति में है और कांग्रेस एक, तर, एक तरह से यहाँ पर फिनिश है लेकिन बीजेपी को ये सोचना है कि वो एन के साथ अपना अलायंस आगे कायम रखेगी या नहीं वो अकेले इस चुनाव में जाए कैसे करें यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा साबित होने जा रहा है इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण राज्य है नागालैंड हालांकि नागालैंड में बीजेपी का इतना कुछ खास वजूद है नहीं लेकिन ये जो बंदा आप इधर देख रहे हैं तस्वीर में तेमेन इमेमा अलोंग इनको आप अक्सर देख रहे होंगे आजकल टेलीविजन पर ये बड़ी दिलचस्प हिंदू सनातन संस्कृति इस पर स्पीच देते रहते हैं ये यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं और बड़ा दिलचस्प यहाँ का दोस्तों सिनेरियो होने जा रहा है और मेरा मानना है कि नागालैंड शायद एकमात्र स्टेट है जहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर विपक्ष जीरो है सब के सब एक साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं और ये जो शख्स हैं यहाँ पर एन एन जी ये यहाँ पर इस समय चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पर इनकी एन डी ए की ये एन डी ए की यहाँ पर सरकार है मिली जुली और आप यहाँ पर जो सिनेरियो था पिछली बार का वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एन डी ए ने पच्चीस पॉइंट दो फीसदी मत सीधे बढ़ाए थे अट्ठारह सीटें जो जीती थी वो पहले जीरो थे सीधे अट्ठारह पर पहुँच गए थे और बीजेपी देखिए यहाँ पर ग्यारह सीटें प्लस करके आई थी बारह सीटें जीती थी उसने पहले एक सीट हुआ करती थी और बीजेपी ग्यारह सीटें प्लस करके आई थी तो बीजेपी ने यहाँ पर तेजी से राइज किया है ये पिछली बार की तारीखें आप देख रहे हैं मार्च में यहाँ पर चुनाव हुए थे और इसके अलावा यहाँ पर जो विधानसभा का दृश्य है वो कुछ इस तरीके का है साठ सीटें हैं यहाँ भी ज़्यादातर राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के साठ साठ विधानसभा सीटें हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी एक एक और भी आपको बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी इसलिए भी अपने आप को बहुत ही सेफ मानकर चल रही है क्योंकि अभी से ये तय कर लिया गया है कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा इसमें ये माना जा रहा है कि एन ये जो बीजेपी के एलाइज हैं जिनकी सरकार है इस समय ये चालीस सीटों पर लड़ेंगे और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ेंगे यही पिछली बार भी हुआ था इन्होंने 40 में से 18 जीती थी बीजेपी ने 20 में से 12 जीती थी बी बीजेपी का बहुत बढ़िया एवरेज यहाँ पर रहा था और हाल ही में नागा पीपुल्स फ्रंट जो एनपीएफ पी यहाँ पर या आप ऊपर देख रहे हैं जिसने पिछली बार छब्बीस सीटें जीती थी इनके छब्बीस में से इक्कीस एम ने एन को ज्वाइन कर लिया है इसमें चले गए हैं इस वाले राजनीतिक दल में यानी कि सत्ताधारी दल में चले गए हैं और एक तरीके से यहाँ विपक्ष बिल्कुल जीरो हो गया है और एन जो है ये तो इनके साथ पहले ही आ चुकी है पूरी की पूरी एन इनमें से जो बचे हैं ये सब लोग इनके साथ आ गए हैं एन के तो इस तरीके से इनका वजूद बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो गया है यहाँ के बारे में आपको बताऊँ कि यहाँ पर विपक्ष बिल्कुल शून्य है लेकिन बीजेपी के लिए फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है ईसाई प्रधान इलाका है यहाँ पर और नागाओं के जो नागा आदिवासी हैं उनके मुद्दे बहुत बड़े हैं वो अलग राज्य की मांग करते रहते हैं केंद्र सरकार के साथ समय समय नागा प्रतिनिधियों की बातचीत भी चलती रहती है और 2018 में जब बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी ने नारा दिया था कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं नागाओं की उसका सॉल्यूशन यही है कि इलेक्शन किया जाए तो बीजेपी ने नारा दिया था कि इलेक्शन फॉर सॉल्यूशन कि आप इलेक्शन को जिताइए हमें और हम सोल्यूशन लेकर आएंगे लेकिन जो नागा यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं नागाओं के उनका कहना था कि हम पहले सोल्यूशन चाहते हैं उसके बाद चुनाव उनका नारा था कि नो सोल्यूशन नो इलेक्शन तो इस तरीके से उन्होंने बायकाट की धमकी दी थी दूसरी ओर नागा यहाँ पर ये यह चाहते हैं कि हमें अलग झंडा दिया जाए हमारा अलग संविधान हो अलग राज्य हो पूरी तरीके से लेकिन बीजेपी इस पर आप जानते ही हैं कि किसी भी जगह नए राज्य की किसी भी थॉट को बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है जे पी नड्डा भी हाल ही में दो तीन बार वहाँ पर होकर आए हैं नॉर्थ ईस्ट में उनका कहना है कि हमने नागा पीस अकॉर्ड का एक फार्मूला बनाया है कि हम नागा में नागाओं के साथ शांति चाहते हैं उनके साथ बातचीत करके पीस अकॉर्ड पर हम पहुंचना चाहते हैं समझौते पर पहुंचना चाहते हैं इसके लिए नागालैंड के डिप्टी सीएम और वहां के जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको हमने इस काम में लगाया भी है और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से हम त्रिपुरा में अकॉर्ड लाए दो में जब हमारी सरकार बनी इससे अलावा हम बोडो असम असम के लिए हम बोडो अकॉर्ड लाए 2020 में और कार्बी एंगलोंग हमने 2022 में लागू किया तो हम नागाओं के साथ भी शांति की बात कर रहे हैं और उनके साथ हम बात करना चाहते हैं लेकिन जो अलग राज्य की बात है उस विजन को बीजेपी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है और समय समय पर यहाँ पर जेपी नड्डा अमित शाह जाते रहते हैं इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में क्योंकि इन तीन राज्यों में कम से कम दो में बीजेपी अपने बलबूते पर कुछ करने में सक्षम है मेघालय में भी बीजेपी को लगता है कि सेंस है कि हमने 11 बारह अपने विधायक पिछली बार जिताए थे तो हम इस बार कुछ उन्हें बढ़ा भी सकते हैं फिर छोटे मोटे दलों का समर्थन ले लिया जाएगा और इसके अलावा वो ये भी सोच रहे हैं कि त्रिपुरा में तो हमें सरकार अपनी रिपीट करनी ही है तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफ़ी तैयारी बीजेपी की चल रही है और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्हें जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का जो एन है उसका चेयरमैन एक घोषित तरीके से बनाया हुआ है अमित शाह ने और कहा है कि आप इन सब छोटे छोटे दलों से बातचीत करते रहिए क्योंकि जो छः सात स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के उन सब में अच्छा खासा नियंत्रण अपना रखते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और जिस तरीके से वो असम चला रहे हैं असम में उन्होंने बढ़िया काम करके दिखाया है और अपने जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया है उसे देखते हुए बीजेपी ये उम्मीद कर सकती है कि नॉर्थ ईस्ट के इन तीन स्टेट में जहाँ अगले साल चुनाव हो रहा है कम से कम दो में अपने बलबूते सरकार बनाने की कोशिश करें मेघालय में और त्रिपुरा में ये साफ तौर पर मुझे नज़र आ रहा है देखते हैं क्या होता है संडे स्पेशल में आज का मुद्दा यही था कि नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी प्लान कर रही है उसके बारे में आपसे चर्चा की जाए आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में से हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से नीचे अपना कमेंट जरूर लिखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और, और किस तरह के वीडियो मुझे आपके लिए बनाना चाहिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा तो जुड़े रहिए हर्ष की बात लाइव के साथ नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें